Hey kids, welcome to Raksha Bandhan activity. आज हम सभी वेस्ट मटेरियल से कैसे राखी बनाते हैं सीखेंगे. आप सभी के घर कैरी बैग आता होगा. कैरी बैग से हम वो पार्ट कट कर लेंगे जो कलरफुल होता है. यहाँ पे मैंने पिंक कलर का पार्ट कैरी बैग से कट किया और उसे एक स्क्वायर शेप में डिजाइन किया. उसके बाद इसे वी शेप में मैं कट कर रही हूँ. देखेंगे ये फ्लावर का शेप ले लिया है. ऐसे ही कई हम कट कर लेंगे और एक के ऊपर एक नीडल एंड थ्रेड की हेल्प से इसे स्टिच कर लेंगे. उसके सेंटर में आप कोई भी बीट या स्टोन स्टिच कर सकते हैं, से ये और थोड़ा ब्यूटीफुल लगेगा. यहाँ मैंने एक गोल्डन लेस लगाया है. आप चाहे तो रक्षा सूत्र भी यूज कर सकते हैं. ये मैंने व्हाइट कलर के कैरी बैग से रिबन शेप में कट कर लिया है और नीडल व थ्रेड की हेल्प से इसे स्टिच करना है. साइड से साइड का पार्ट आप देख रहे होंगे कि ये स्टिच हो रहा है. एट लास्ट जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो थ्रेड को थोड़ा प्रेस करके खींच लेंगे और इसे फ्लावर का शेप दे देंगे. लास्ट में हम दोनों कॉर्नर पकड़ के इसे स्टिच कर लेंगे. आप देख रहे हैं फ्लावर शेप में ये हो गया. आपके पास कोई स्टोन या बीड्स हो तो आप इस पे स्टिच कर सकते हो. मैंने यहाँ ब्लू कलर का नेल पेंट यूज किया है इसके डेकोरेशन के लिए. अगर आपके पास कोई और कलर हो तो आप यूज कर सकते हो. ये आपकी राखी तैयार हो गई बिल्कुल बांधने के लिए. यहाँ मैंने कैरी बैग का पिंक वाला पार्ट ओवल शेप में कट कर लिया है. इसमें गोल्डन पार्ट भी मैंने डाला है. नीडल और थ्रेड की हेल्प से ये सारे ओवल स्टिच कर लेने हैं. ये ध्यान रखिए कि उल्टे शेप पे ही आपको स्टिच करना है. ये सारे ओवल हम स्टिच कर लेंगे. और उसका फ्लावर शेप देने के बाद कुछ स्टोन या जो भी हो बीड्स हो वो आप उसमें स्टिच कर लेंगे सेंटर में. यहाँ पे मैंने कैरी बैग का ही पतला से रिबन बनाया है. सारे बीड्स जो हैं इसमें लगा दिया गया और सेंटर से उसे स्टिच कर लेंगे.